नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अक्टूबर 2022 में ई बसेस का जो है प्रोजेक्ट जम्मू में लाया गया, जिस तरह से इस समय सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द बनाकर आम जनता को समर्पित कर दिया जाए, उसी कड़ी में ये ई बसेस का प्रोजेक्ट भी जो था बड़ा अहम था। 100 ई बसेस जम्मू के लिए और 100 ई बसेस श्रीनगर के लिए। ये बसेस इसलिए लाई गई क्योंकि जिस तरह से मेटाडोर चालक और ऑटो चालक मनमाना रेट जो है लोगों से वसूलते हैं और पॉल्यूशन भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में लगभग 200 जो ई बसेस को लाया गया। ये बसेस इको फ्रेंडली भी हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। और इस समय हम हैं भगवती ई बसेस स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है लगभग 40 बसेस जो हैं इस समय एक्टिव है और 5 से 7 रूट जो हैं निर्धारित किए गए हैं, उन रूट्स पर ये ई बसेस चलाई जाती है। ई बसेस के क्या कुछ फीचर्स हैं ये हम सब जानते हैं कि इसमें एसी लगा हुआ है, गर्मियों में जो है ठंडी ठंडी हवा वो आपको देगा, सर्दियों के लिए वार्मर लगाया गया है, पॉकेट फ्रेंडली है और इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और इस समय यहाँ पर जो हम खड़े हैं ये भगवती नगर है, जहाँ पर इसका पावर स्टेशन भी है। यहाँ से इन बसेस को जो है हर दिन रिचार्ज किया जाता है और फिर उसके बाद 45 मिनट चार्ज करने के बाद ये लगभग 8 घंटे तक ई बसेस जो हैं ये चलती हैं। मंशा सिर्फ एक ही थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं जो हैं दी जाएं, ताकि मनमाना रेट वसूल करने वाले मेटाडोर या ऑटो चालक उन्हें कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगे। इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, लोगों को एक ऐप के माध्यम से, चलो ऐप के माध्यम से इन बसेस को जो है उन बुक करना होता है, अपनी सीट अपना स्लॉट अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड जो है वो इसमें लगाया गया है और उस क्यूआर कोड के माध्यम से जो है इन ई बसेस को जो है इन ई बसेस का आप किराए का भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, आपके पास ऐप भी नहीं है, तो आप जो है टिकट्स के माध्यम से जो है जो किराया है वो भी दे सकते हैं। अब क्या कुछ लोगों को इसमें सुविधाएं मिल रही हैं जानते हैं, करते हैं उन्हीं से बात, क्योंकि ई बसेस को आए हुए जम्मू में लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब जो है पूर्ण रूप से जो है ये 25 जनवरी से इसका जो है शुभारंभ हुआ और अब जो ये ई बसेस जम्मू की सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं, लोग भी हमें जो है इन ई बसेस में बैठे हुए नज़र आते हैं। तो चलिए करते हैं लोगों से बात, क्या जिस तरह से ई बसेस का लॉन्च यहाँ पर जम्मू में किया गया, क्या उस कसौटी पर खरी उतर पाई हैं ये ई बसेस। तो चलिए आपको सैर कराते हैं ई बस की, कितनी आरामदायक है और क्या कुछ फीचर्स हैं ये भी हम आपको बताएंगे। कि यहाँ पर बस में जो है सवारियाँ बैठी हुई हैं और जो कंडक्टर हैं वो टिकट्स देते हुए क्यूआर कोड के माध्यम से भी जो है आप इसमें टिकट जो है किराया जो है वो दे सकते हैं या आप जो है टिकट भी ले सकते हैं। और बड़ी मिनिमम चार्जेस हैं, 3 किलोमीटर तक जो है वो 10 रुपये रखे गए हैं और 3 से 5 किलोमीटर तक अगर आपने जाना है तो 15 रुपये, 5 से 10 किलोमीटर जाना है तो 20 रुपए। इसी तरह से ऐसे ही आगे जो है किराया बनाया गया है। मैं असली श्रीनगर का रहने वाला हूँ, आजकल मैं यहाँ भगवती नगर में रहता हूँ, तो आज मैं पहली बार इस गाड़ी में बैठा हूँ, तो बड़े कंफर्टेबल गाड़ी है, तो लोगों को भी बहुत ही आराम मिलता है इसमें। अलबत्ता मुझे लगता है थोड़ा किराया इसमें ज़्यादा है, 3 किलोमीटर तो 10 रुपये ज़्यादा है, जबकि लोकल ये जो मेटाडोर है वो तकरीबन 7 ही रुपये लेते हैं।
तो अभी लोगों को पता नहीं है इनका रोड कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, तो ज़्यादातर लोग इन्हीं गाड़ियों को प्रेफर करेंगे। तो ये हम गवर्नमेंट के बोर्ड से शुक्रगुजार हैं, तो इन्होंने ये बसें चलाई है जम्मू में। का नाम? अजय चौधरी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आरसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर के। तो आप ई बसेस चलाते हैं, कितना टाइम हो गया आपको ई बस चलाते हुए? मेरी दूसरी ज्वाइनिंग है इधर, जब शुरू हुआ था ना काम, सबसे पहली ज्वाइनिंग एक ड्राइवर सुल्तान सिंह है, दूसरी ज्वाइनिंग मेरी है इधर सबसे पहले की। तो किन रूट्स पर आप जो है ये ई बस चलाते हैं? मैं अपना जानीपुर टू सिंबल, अभी भगवती नगर डिपो से निकाली है, जा रहे हैं जानीपुर, जानीपुर से फिर सिंबल जाएंगे, सिंबल कैंप। तो सवारियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कभी कुछ ऐसी शिकायत आई हो? मिला जुला ही है सब कुछ, कुछ कहते हैं भी किराया ज़्यादा, बस ज़्यादा इशू वही है किराए वाला, एक स्टूडेंट वाला वही बोलते हैं अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए तो स्टूडेंट हो चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो या जो नॉर्मल इंसान है, सबके लिए किराया एक जैसा है? सबके लिए एक जैसा है, बिल्कुल इक्वल सभी के लिए, कोई स्टूडेंट को कोई नहीं है अभी, थोड़ा छूट दे रखे बस। आगे देखिए, कहते हैं लोग पर बाकी बोलते हैं कहीं भी कंफर्टेबल है, धक्का मुक्का नहीं है गाड़ी में, जैसे मेट्रो में होता है सवारियां चढ़ाते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, ज़्यादा चढ़ा देते हैं सवारी, सवारी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सांस में लेने में प्रॉब्लम भी होती है, इसमें वो चक्कर नहीं है। एक हमने रुकना नहीं होता कहीं, रोड पर आए सवारी ने हाथ दिया, बिठाई और निकल गए, किसी का टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे कि आपने देखा यहाँ इस ई बस में किराया सबके लिए एक है, चाहे वो स्टूडेंट हो या दिव्यांग हो या नॉर्मल इंसान हो, हर किसी के लिए जो रूट निर्धारित किया गया है और जो रूट के हिसाब से किराया है वो सबके लिए सेम है। लोगों का मिला जुला रिस्पांस, आपने अगर ई बस का सफ़र किया है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे के बता सकते हैं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा और क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो सरकार को इन ई बसेस में करनी चाहिए, चाहे वो किराए की बात हो या रूट की बात हो। तो अब आने वाले टाइम में इन ई बसेस को और लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है जम्मू के रूट पर 40 ई बसेस चल रही हैं। आप ई बस का सफ़र कर रहे हैं, कैसा लगा आपको ई बस का सफ़र करके? ये बस तो जाना बख्शी नगर से ये बाया उधर से घूम के, डबल किराया लगेगा इसका, डबल चार्ज करते हैं, फिर ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इनका जो किराया है वो बाकी जो बस जो मेटाडोर है उनसे ज़्यादा है? 7 रुपये लेती है वहाँ से बख्शी नगर के, मेट्रो 7 रुपये लेती है। तो कितनी दफ़ा आप इसमें सफ़र कर चुके हैं? ये दूसरी दफ़ा, हाँ कल गया था तो उन्हें 15 रुपये ले, सीधी गई थी उन्होंने 15 रुपये ले। तो ये तो घूम के आ रही है, ये डबल किराया चार्ज करते हैं, हाँ डबल ही है और हो गया जी। एक गृहिणी है हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं, ये आज ई बस का सफ़र कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है इस ई बस में बैठकर? आपका नाम? उर्वशी खन्ना। कहाँ की रहने वाली है? भगवती नगर की। तो आप हमेशा इस ई बस के थ्रू ही आती जाती है? सेकंड टाइम आई हूँ मैं। तो कैसा लगा इसका सफर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सफ़र, और एज कम्पेयर टू ई रिक्शा से अच्छा है और कंफर्टेबल भी है। ये है कि अभी रूट का नहीं मालूम हो रहा, थोड़ा सा थोड़ी सी सर्विस स्लो है बस। और अगर किराए की बात की जाए तो जेन्युइन है, एज कम्पेयर टू ई रिक्शा से जेन्युइन है। हमें तो अच्छा लगा ये सफ़र, इसमें बैठ के सफ़र करना। और जहाँ तक सुविधाओं की बात की जाए, चाहे वो ये एसी की सुविधा है, चाहे ब्लोअर की सुविधा है, आपके बैठने की सुविधा, वो कैसी है? वो अच्छी है, सबसे अच्छी है। तो नॉर्मल जो मेटाडोर्स होती थी वो मनमाना किराया वसूल करती थी, उन पर कोई निजात, उन पर कोई लगाम? हाँ ओवरलोडिंग बहुत करते हैं वो, उस पर निजात होनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। भर भर के ले जाती हैं मेटाडोर, समझ में नहीं आता कहाँ से उतरना है, कहाँ खड़े होना है। लेकिन ई बस में ऐसा कुछ दिक्कत? ई बस में अभी तक तो नहीं है ऐसी दिक्कत, मतलब ओवरलोडिंग का कोई ओवरलोडिंग का नहीं है सिस्टम यहाँ पे अभी। अभी आगे आगे देखी हो भी सकता है। तो जैसे कि बस तो बहुत आरामदायक है और रूट्स भी जो हैं इसके निर्धारित कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों से जब हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि जो किराए हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, जो नॉर्मल बस मेटाडोर्स होती हैं उनका किराया एक रूट से दूसरी रूट तक अगर जाना हो, यानी कि 3 किलोमीटर का अगर सफ़र उन्होंने तय करना हो तो उन्हें 7 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन इन ई बसेज में उन्हें 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कि अमूमन तौर पर थोड़ा सा किराया ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि किराए में अभी जो है थोड़ी कटौती रखें, ताकि लोगों को आरामदायक सफ़र के साथ साथ जो है जो ये पॉकेट फ्रेंडली सफ़र है
वो भी मिले। तो यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। आपका नाम? तान्या। तान्या कहाँ से आप? हमारे सूरत से। और कहाँ को जा रही हैं? अभी विक्रम चौक जा रहे हैं हम। तो अगर किराए की बात करें तो बाकी जिस तरह से कह रहे हैं कि इसका किराया हल्का सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका क्या कुछ कहना है? पहले हम ऑटो लेते थे, वो हमें हमसे 20 रुपये लेते थे, लेकिन यहाँ हमारा किराया 10 रुपये है, तो हमें 10 का बेनिफिट ही हुआ है। तो अमूमन रोज़ आप इस ई बस के थ्रू से जाती है? नहीं नहीं, हम आज ही आए हैं फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा इस ई बस का सफ़र करके? बहुत अच्छा लगा हमें जी। अब आप जहाँ कह रही हैं कि ऑटो आपसे 20 रुपये वसूलता था और ये ई बस जो है 10 रुपये लेती है, तो अब आप रोज़ जाना प्रेफर करेंगी? जी रोज़ ही प्रेफर करेंगे। सर, लोगों से जब हमने ई बसेस को लेकर बात करी तो उनका ये कहना था इको फ्रेंडली भी है लेकिन पॉकेट फ्रेंडली कहीं ना कहीं नहीं है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अगर 3 किलोमीटर तक जाना हो तो नॉर्मल जो मेटाडोर्स हैं उसका किराया 7 रुपये है लेकिन उन्हें 10 रुपये देना पड़ रहा है। देखिएगा, जो हमारी जो ई बसेस हैं वो बहुत ही किफ़ायती हैं और क्योंकि इसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि अलॉन्ग विद कंफर्ट और रिलायबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी जो है वो बस में इंश्योर की जा सके। और जहाँ तक फेयर की बात है, बेसिकली नॉर्मल जो है वो नॉन एसी बस में 7 रुपये का फेयर है, लेकिन जो एसी बसेस हैं, क्योंकि एसी बसेस में आपको बेहतर कंफर्ट मिलती है, तो उस हिसाब से एसी बस की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और अगर उसके साथ ही एसी बसेस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, नॉन एसी बस फेयर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, बट एसी बस फेयर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। सो हमारा फेयर हमेशा नॉर्मल बस से 18% ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप जो है क्योंकि यहाँ पर हमें जीएसटी पे करना है। और उसके साथ ही क्योंकि ये बसेस एसी भी है तो इनकी कॉस्ट उसी लिहाज से भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज जो इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है वो इंटरसिटी रूट में वो 2 रुपये पर किलोमीटर से 3 रुपये पर किलोमीटर के बीच में ही पड़ रही है, जो कि एक लोअर एंड पर ही है। और अगर आप थोड़ी सी लॉन्गर डिस्टेंस में देखें तो फेयर्स जो हैं वो और कम हैं, वो और 2-3 रुपये से भी कम जो बेसिकली हो जाते हैं, जो कि अगर आप अप्रूव्ड रेट भी देखें हमारे जम्मू का ही, अगर एसी बस के लिए जो अप्रूव्ड रेट है वो इसका 2 टाइम है। सो इसी तरीके से अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस में बात करूं तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो अप्रूव फेयर है वो तकरीबन 4 रुपये पर किलोमीटर के करीब है, लेकिन हमारे अगेन वहां पर जो हम जो है वो लॉन्ग रूट्स पर हमारा जो है वो फेयर जो है वो 1.84 से 2.24 के बीच में जो है वो मूव करता है। तो वी आर जो इवन जो अप्रूव्ड फेयर है जो कि प्राइवेट ऑपरेटर कोई भी चार्ज कर सकता है और कर रहा है एसी बस के लिए, सो उसका हम आधा ही फेयर जो है वो तकरीबन चार्ज कर रहे हैं। सो हमने इनको जो है वो जो अप्रूव्ड फेयर अदरवाइज जो डिलक्स एसी के लिए हैं हम उससे कम फेयर जो है वो एज ऑन डेट चार्ज कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए ई बसेस की तो 75 जो ई बसेस हैं वो इनर रूट्स के लिए हैं, जिनमें से अभी 40 ही बसेस जो हैं अभी सर्विस कर रही हैं, बाकी की बसेस कब तक जो हैं इन रूट्स पर आएंगी? देखिएगा, क्योंकि हमारी जो हम जो धीरे धीरे अपने बस ऑपरेशंस को जो है स्केल कर रहे हैं और इसमें हमारे जो अभी ट्रायल्स हमारे जो है डिफरेंट रूट्स के हो रहे हैं, इसमें से कुछ रूट्स पर जो कि हमारे एग्जिस्टिंग रूट्स भी हैं वहाँ पर भी लोगों की कई बार कुछ डिमांड्स आ रही हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर हमने एक रूट भगवती नगर से स्टार्ट किया तो लोगों की डिमांड आई, नहीं भगवती नगर इसको नहीं, इसको जो वहाँ पर वुमेन कॉलेज है वहाँ से स्टार्ट किया जाए। सो वो आधा किलोमीटर का हमारा या फिर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर का हमारा हार्डली स्ट्रेच बढ़ा, बट उसकी वजह से क्योंकि हमें पूरा अपना, क्योंकि हम यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन आपको रूट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं और उसके साथ ही आपको ऑनलाइन बस का स्टेटस पता होगा, तो वहाँ पर हमें फिर सॉफ्टवेयर में भी वो सब अपडेट करने पड़ते हैं, तो उसमें भी हमें टाइम लग रहा है। उसके साथ साथ हम धीरे धीरे अपने इसको स्केल अप कर रहे हैं। हमारी अभी तक जो जैसे कि हमने जब स्टार्ट किया था तो 6 बसेस के साथ स्टार्ट किया था, वैन वी मूव टू 22 बसेस, दैन वी मूव टू 40 बसेस, और इस वीक में ही हमारी जो है वो 10 से 15 बस और स्टार्ट हो जाएंगी, एंड बाई नेक्स्ट 1 से 2 वीक में वी विल बी स्टार्टिंग ऑन अवर वी विल बी स्टार्टिंग ऑल 75 बसेस। एंड उसके बाद जो हमारा इंटर सिटी रूट है वो भी हम जल्दी उनके ट्रायल स्टार्ट कर देंगे, उसमें से भी हमारी 25 बसेस में से हमारी 16 बस हमें डिलीवर हो चुकी हैं और उनका एसटी अप्रूवल हमें मिल चुका है, और इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली बसेस का जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद इट विल हमारा जो है वो रूट ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट जो है वो 1-2 मंथ में
सॉरी नेक्स्ट एक से दो वीक में हम जो है अपनी इंटरसिटी रूट्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो हमने ये एक राइड की भगवती नगर से जीवल तक, जहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की और कुछ का कहना था कि ये राइड जो है, ये ई बस का जो सफ़र है, बड़ा ही कंफर्टेबल है। कईयों ने शिकायत की कि शायद जो किराया है इसका वो थोड़ा ज़्यादा वसूला जा रहा है, सरकार को इसकी और जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कुछ सेटिस्फाइड हुए और कुछ अनसेटिस्फाइड। अभी नया नया ये प्रोजेक्ट है और लोग अभी इसको लेकर जो है अवेयर नहीं हुए हैं, लेकिन शायद वक्त के साथ साथ जो है रूट्स के साथ रूट का भी पता चल जाएगा और शायद लोगों को इन ई बसेस की भी आदत हो जाएगी। अभी नई शुरुआत हुई है तो शायद नई कहते हैं, जब शुरुआत होती है तो कुछ खामियां भी नज़र आती हैं और कुछ सुविधाएं भी नज़र आती हैं, लेकिन आने वाले समय में ये खामियां क्या तब्दील होंगी सुविधाओं में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साढ़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।